दोस्तों आखिरकार सभी व्हाट्सएप यूजर का इंतजार खत्म हुआ। फाइनली फाइनली दोस्तों आप सभी को पता है कि आप किसी का भी व्हाट्सएप अपने मोबाइल के अंदर चलाना चाहते हो या फिर आप न्यू अकाउंट एक क्रिएट करना चाहते हो, तो दोस्तों सबसे पहले आपको जरूरत पड़ती है एक OTP की। बिना OTP दोस्तों आप कुछ भी नहीं व्हाट्सएप के अंदर कर सकते हो। परंतु दोस्तों अब ये फाइनली है जो दोस्तों खत्म हो चुका। दोस्तों आप अपनी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फैमिली मेंबर, दोस्त किसी का भी व्हाट्सएप चलाना चाहते हो, चैट अपने मोबाइल के अंदर देखना चाहते हो, तो दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि बिना OTP व्हाट्सएप चला सकते हो। अगर आपके अकाउंट पर OTP नहीं आ रही है तो इस प्रॉब्लम को कैसे सही करोगे, क्योंकि दोस्तों 99% लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि जब भी वो अकाउंट क्रिएट करते हैं, ID बनाते हैं व्हाट्सएप के अंदर, तो उनके OTP नहीं आती है। बिना OTP आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। परंतु दोस्तों इन सब का आखिरकार व्हाट्सएप के अंदर आ गया एक कमाल का फीचर। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर फॉलो कर। दोस्तों आप सभी को पता है कि आप जब भी व्हाट्सएप के अंदर न्यू अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो तो उस टाइम दोस्तों आपको वेरीफाई करने के लिए OTP की जरूरत पड़ती है। बिना OTP दोस्तों आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। परंतु दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा, अब आपको दोस्तों OTP की भी जरूरत नहीं, बिना OTP भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हो दोस्तों, बिना OTP। अब दोस्तों आपको OTP के लिए कहीं भी जाना, दोस्तों आप जब भी अपना अकाउंट एक व्हाट्सएप के अंदर न्यू क्रिएट करते हो तो सबसे पहले OTP जरूर पड़ती है। और दोस्तों आप बहुत ज्यादा वीडियो देखते हो व्हाट्सएप पर यहां, तो अब दोस्तों ये वीडियो अब आपको देखने की जरूरत नहीं। अब दोस्तों एक मिनट के अंदर समाधान लेके आ गया हूं, आप दोस्तों सही कर सकते हो और OTP आप अपने अकाउंट पर ला सकते हो। इसके लिए दोस्तों आपको कहीं नहीं जाना। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर बिना OTP भी अकाउंट बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हो, परंतु पहले सबसे पहले आपको एक काम करना होगा। सेटिंग है आपके पास किसी भी कंपनी का, इस सेटिंग को इनेबल कीजिए। सेटिंग को ओपन करने के बाद में दोस्तों यहाँ आपको नीचे की तरफ डाउन करना, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप का, ऐप वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। ऐप वाले ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करोगे तो दोस्तों आपके मोबाइल के अंदर तमाम ऐप है वो सामने आ जाएंगे। यहाँ दोस्तों आपको सबसे पहले एक सेटिंग इनेबल करनी होगी, अगर सेटिंग इनेबल नहीं करोगे तो दोस्तों आपका काम होने वाला नहीं है। तो यहाँ क्या करना, आपको सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ व्हाट्सएप के अंदर ही आपको वो सेटिंग इनेबल करनी है। तो हम नीचे की तरफ डाउन करेंगे तो यहाँ हम व्हाट्सएप एप्लीकेशन को सबसे पहले ढूंढेंगे, नहीं तो ऊपर सर्च बार वाला जो आइकॉन आपको दिखाई दे रहा है इस पर भी क्लिक करके आप ढूंढ सकते हो, परंतु हम यहाँ नीचे की तरफ डाउन करेंगे। अगर आपके पास किसी और कंपनी का मोबाइल है ना, अगर मान लो इस सेटिंग के अंदर ये ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है, जैसे यहाँ व्हाट्सएप आ गया, अगर आपको ये नहीं मिल रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या करना अपने मोबाइल के होम पेज पर आ जाना और व्हाट्सएप जो एप्लीकेशन आपको दिखाई दे रही है इस पर आपको टैप करना। टैप करने के बाद में क्योंकि आपको पहले व्हाट्सएप एप्लीकेशन तो डाउनलोड करनी होगी, उसके बिना तो काम होना नहीं, और यहाँ ऐप इफो वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना, तो डायरेक्टली आप इसी पेज पर आ जाओगे जहाँ हम आए हैं, कहाँ से सेटिंग के, आपको सेटिंग वाला सेक्शन नहीं मिल रहा तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ दोस्तों आपको क्या करना, सबसे पहले एक ही काम करना है, वो करना है परमिशन वाला जो सेक्शन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना। क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ आपको नीचे तरफ डाउन करना और दो काम यहाँ सबसे पहले करने होंगे, वो कौन से ध्यान देखिए। एक आपको नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, और दोस्तों यहाँ देखिए ऑल व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, ये सेटिंग अगर आपने अभी तक ऑन नहीं की है तो दोस्तों नहीं होगा, इसको पहले ऑन कीजिए। ऑन करने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना, अब यहाँ दो काम करने होंगे। यहाँ आपको एक फोन का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, फोन वाला जो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके, और अगर कई लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है डू नॉट अलाउ पर हो जाता, यहाँ नहीं, आपको यहाँ अलाउ पर ही क्लिक करना पड़ेगा। अगर OTP की जरूरत है, बिना OTP भी बनाना चाहते हो तो भी अलाउ पर क्लिक करना। उसके बाद दोस्तों यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, अब ध्यान से देखिए, SMS वाला ऑप्शन है, इसको भी डू नॉट पर नहीं होना चाहिए, अलाउ पर ही क्लिक होना चाहिए। ये सेटिंग है आपको सबसे पहले करनी है। ये सेटिंग है करने के बाद में आपको सिंपली यहाँ से आ जाना बाहर। बाहर आने के बाद में दोस्तों आप अपने मोबाइल नंबर डालिए और तुरंत आपके पास OTP आ जाएगी, या फिर आप Gmail पर भी OTP ले सकते हो। आई होप ये प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है, OTP नहीं आ रही, तो इस वीडियो को देखने के बाद में 100% खत्म हो जाए। दोस्तों इस फीचर के बारे में आपकी क्या राय, फीडबैक कमेंट सेक्शन जरूर दीजिए, मेरे को दीजिए। इजाजत मिलता हूँ और नई वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।